हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो देश में कोरोना का कहर जारी है। इस बीच 14 सितंबर से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। संसद भवन को कोरोना के कहर से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना काल में कैसे बदल जाएगी संसद की कार्यवाही, जानिए। ये संसद की सबसे ताजा तस्वीर है। कोरोना की चुनौतियों के बीच संसद सत्र को बिना किसी दिक्कत के चलाने के लिए ये इंतजाम किए गए हैं। संसद सत्र में भाग लेने से पहले न सिर्फ सांसदों का कोरोना टेस्ट होगा, बल्कि संसद के भीतर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सभी मान्य सदस्य जो यहाँ पर आएंगे, उनको हमने आग्रह किया है कि कोविड का टेस्ट करा के आए। उसके अलावा भी संसद परिसर में जो भी लोग आएंगे, सबका कोविड टेस्ट अनिवार्य होगा। हाजिरी और छुट्टी को डिजिटल रूप से दर्ज करने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया है। संसद पहुंचने वाले तमाम सांसद और संसद के कर्मचारी इस ऐप के जरिए अपनी हाजिरी दर्ज करा सकेंगे। संसद भवन को कोरोना वायरस से बचाने के लिए और भी इंतजाम किए गए हैं। संसद के केंद्रीय हॉल में सांसदों के अलावा दूसरे लोगों के आने पर रोक लगाई गई है। मुख्य संसद भवन से सांसदों और मंत्रियों के सहयोगियों को प्रतिबंधित किया गया है। मास्क पहनना हर वक्त जरूरी होगा। केंद्रीय मंत्री अपने साथ सिर्फ एक सहयोगी रख सकेंगे। पहले दिन को छोड़कर बाकी दिनों में सुबह 9 बजे से 1 बजे तक राज्यसभा चलेगी, जबकि दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही होगी। संसद का मॉनसून सत्र पहली बार बिना किसी छुट्टी के लगातार 18 दिनों तक चलेगा।